प्यारे बच्चों सारिया नू प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं जसलीन कौर सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल मंसूरा तो अज तुहाडे रूबरू हाँ चैप्टर 16 अठवीं जमात दा, क्योंकि कल तुहाडा बाई मंथली टेस्ट है ते तुसी उसकी जोर शोर नाल तैयारी कर रहे हो। बहुत बच्चों के मैनू फोन आ रहे सी, मैसेज आ रहे सी कि सानू 16वें चैप्टर के कुछ सवाल की वीडियो बना के भेजो, तो मैं तुहाडे लिए छोटा जिहा यतन कर रही हाँ भुल्लां चुक्कां बख्श देना। 16वें चैप्टर के कुछ कोई इंपॉर्टेंट सवाल मैं तुहानू कराऊंगी, इन्हां विचों जरूर कोई ना कोई सवाल आएगा, नहीं तो तुहानू घट्टो घट्ट टैक्नीक पता चल जाएगी। जे रकम चेंज होके भी आया तो तुसी उह सवाल सफलता नाल कर पाओगे। तो देखो जी, सब तो पहला मैं सवाल करा रही हाँ, देखो पांच दे विच आपां की जोड़िए की दो बने। हुण पांच क्योंकि खुद वड्डा है तो इस विच आपां अगर सत जोड़ांगे तो साढ़े कोल बारह बनेगा, तो बारह का दो अगर असीं इत्थे एक लगा दिए तो एक साढ़ा इत्थे कैरी च चला जाएगा। ते तीन ते दो पांच, पांच ते एक छे, ते साढ़े बी दी जड़ी वैल्यू है वो सिक्स हो जाएगी। बस ए दी वैल्यू सैवन और बी दी वैल्यू सिक्स अगर तुसी कड लेंदे हो, ए बराबर सत बी बराबर छे, ता ये तुहाडा सवाल हल हो गया है। बस इत्थे या जोड़ है जा कटाओ है जा गुणा है, इसनू तुसी ध्यान नाल देख लेना है कि केड़ा सवाल है। तो फिर ओही रूल लगा के जेड़े ए बी सी जा पी क्यू डिजिट सन उना दा तुसी मुल कढ़ना है, जिस तरह मैं तुहानू हुणे कढ़ के दिखाया है। इस दे नाल बच्चे एक होर सवाल है, देखो हुण तुहानू नजर आना शुरू हो गया अठ विच आपां की जोड़िए के तीन, तीन तो आ ही नहीं सकता, इट मीनस तेरह होगा। तो अठ विच आपां की जोड़िए तेरह हुंदा है, तो ए हुंदा है साढ़े कोल पांच, तो ए दी वैल्यू साढ़े कोल पांच आ जाएगी। अगर तेरह दा असीं इत्थे तीन लाया तो एक साढ़ा इत्थे कैरी विच चला जाएगा। नौ ते एक दस, दस चार चौदह, चौदह दा इत्थे बी दे की लगेगा चार, एक कैरी होएगा वो इत्थे सी दे लग जाएगा। इस तरह साढ़ा ए जेड़ा है वो पांच, बी जेड़ा है चार और सी जेड़ा है एक आ जाएगा, तो ए साढ़ा हल हो जाएगा। उस तो अगला देखो, ए सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है, तुहाडा सैंपल पेपर विच भी आया है, उस विच भी मैं तुहानू ये हल करना दस्या सी किन्नू किदे नाल गुणा करिए कि ओही डिजिट आए। देखो जे असी पांच नू पांच नाल कटदे हां तां वी साडे कोल ओही डिजिट आंदा है, पंजू पांजा पच्ची, पर अगर असी इत्थे पंजू पांजा पच्ची लगाइए तां दो कैरी होएगा, ते जदों असी इत्थे पांच एकम पांच करांगे ते पांच ते दो इत्थे सत बनेगा, परंतु सानू रकम विच इत्थे नौ दित्ता होया है, इसलिए असी इत्थे पंजू पांजा पच्ची नहीं लवांगे, असी इत्थे लवांगे छे। अगर छिकम छिकम छत्ती करांगे इत्थे छे आएगा, थ्री इत्थे कैरी हो जाएगा और छे एकम छे, छे ते तीन नौ, ए साडा सवाल जेड़ा सही हो जाएगा। इस तरह साडा ए जेड़ा छे आ जाएगा। इस विच ना कला ए ही पता करना सी, बी सी है ही नहीं, तो ए इज इक्वल टू सिक्स, दिस इज योर आंसर। पेपर विच तुसी इसनू पहला इस तरह रकम लिख लो, फिर इसनू पूरा हल जेड़ियां ए वैल्यूज ने इनू इस तरह तुसी लिख के पूरा करके दिखा सकते हो, इस तरह करके नाल तुसी ए दी वैल्यू लिख दो। इस तो इलावा पंजवा सवाल है गुणा दा, देखो ए नू आपां किदे नाल गुणा करिए कि ओही अक्षर आए। काफी सोच समझ के करन वाला सवाल है, गुणा दा सवाल है, तुसी बहुत ध्यान रखो। सब तो पहला ये ध्यान रखना है कि गुणा दा है, तो ये गुणा दा सवाल विच अगर दो डिजिट हुंदे हन तो साडी गुणा देखो इस तरह हुंदी है, जिवें कोई वड्डी रकम है तो आपां इस तरह पहला इनू करदे हां फिर इनू करदे हां तां जाके साडा जोड़ हुंदा है। हुण इत्थे असीं इन्ना वड्डा नहीं कर रहे, परंतु असीं इनू देख के कुछ अंदाजे लगावांगे जो जो सानू दित्ता उहदे तों। देखो जे इत्थे तीन पाए, आपां तीन नू किहदे नाल गुणा करिए कि ओही अक्षर आवे, तां जिन्ने भी अक्षर आपां सोचिए तां साडे कोल दो ही अक्षर नजर आंदे हन, या जीरो या पांच। मतलब कि जेड़ा साडा ए है वह जां जीरो जां पांच हो सकता है, इस तों बिना
कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 0 0 इथे भी 0 इथे भी 0 3 5 15 इथे 5 इथे भी 5 तो एदा मतलब ए साडा जा 0 जा 5 होएगा असि दोनों लगा के चेक करके देखांगे किदे नाल फिट होया परंतु उस तो पहला सानू बी दा अंदाजा लगाना पवेगा बी दा अंदाजा असि कित्थों लगावांगे किन्नू आपा किदे नाल गुणा करिए इथे देखो साडा केड़ा डिजिट आ रहा है 5 है ए दोनों सेम हन अगर असि इथे 3 तीए लगाने हां तो इथे 9 जो के बहुत वड्डा है एदा मतलब 3 तीए 9 इथे नहीं हो सकदा ते जे असि एक एक कम लगाने हां ते इथे 1 आएगा जो के 5 तो बहुत छोटा होएगा इट मीन्स इथे साडा 2 हो सकदा है 2 दूनी 4 4 दे विच आपा कुछ कैरी ऑन होएगा ता साडा 5 बन सकदा है इट मीन्स ए वाला डिजिट साडा पक्का 2 है ता ए जेड़ी साडी संख्या है ए ता साडी 23 बन गई पक्का ए ऊपर वाली संख्या साडी 2 0 होएगी जां 2 5 होएगी जां 2 0 होएगी जां 2 5 होएगी हुन तुसी ए 2 गुणा करके चेक कर सकदे हो कि किदे नाल तुहाडा ए आंसर बनदा है अगर ए ता साडा जबानी हो जांदा है 23 दूना किन्ना हुंदा है 46 उत्तो 0 460 तो ए 460 नहीं बन रहा इट मीन्स ए वाला साडा रिजेक्ट हो गया 0 जेड़ी साडी वैल्यू इथे ए दे नहीं हो सकदी इट मीन्स असि 25 नु 23 नाल गुणा करके देखदे हां ता साडा ए फिट बैठ जाएगा इथे अगर असि 5 लगाइए इथे 2 लगाइए इथे भी 2 लगाइए इथे साडा ऑटोमेटिकली 5 आ रहा है 5 3 15 ਦਾ 5 ਕੈਰੀ ਅਸੀਂ 1 ਕੀਤਾ 3 ਇੱਥੇ 2 ਲਗਾਇਆ ਹੈ 3 ਦੂਣੀ 6 ਤੇ 1 7 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਟੀ ਲਗਾਈ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ 5 ਦੂਣੀ 10 ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ 0 ਤੇ 2 ਦੂਣੀ 4 ਤੇ 1 ਕੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੀ 0 ਲਗਾਈ ਉਹਦਾ 1 ਕੈਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਦੂਣੀ 4 ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 ਕੈਰੀ ਉਹ ਚ ਜੋੜ ਕੇ 5 ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 25 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 23 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 5 7 5 ਬਣੇਗਾ 5 7 5 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਹੈ ਔਰ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਸਮ ਨਾਓ ਦਿਸ ਸਮ ਇਨ ਦਿਸ ਸਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਡ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੋਚੋ ਦੇਖੋ 3 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ 1 ਆਵੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 11 ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ 21 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 3 ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ 11 ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 ਇਸ ਦਾ ਕੈਰੀ 1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ 8 ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਹੀ ਹੋਏਗਾ 8 ਤੇ 1 9 ਤੇ 1 10 0 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਕੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਤੇ 1 4 ਤੇ 1 5 ਇਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ 8 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਏ ਗੁਣਾ ਏ ਗੁਣਾ ਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀ ਏ ਪਾਇਆ ਹੈ 3 ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋੜਦਾ ਸਮ ਸੀ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ 5 5 5 ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਔਰ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ 6 ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚਿਓ ਗਣਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲਵੋ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮ ਨਿਕਲਣਗੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।